नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज 21 अक्टूबर का दिन और 21 अक्टूबर के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, हाल ही में प्रथम महिला स्पेस वॉक का आयोजन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, हाल ही में नासा के द्वारा प्रथम महिला स्पेस वॉक का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। इस प्रथम महिला स्पेस वॉक में दो महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने हिस्सा लिया था। इन दो महिला अंतरिक्ष यात्रियों के नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच, और दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम है जेसिका मेयर। तो ये दो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने इस प्रथम महिला स्पेस वॉक में हिस्सा लिया है। तो ये दो नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना कोच और जेसिका मेयर, ये दो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो नासा के द्वारा हाल ही में प्रथम महिला स्पेस वॉक किया गया था। इसमें इन दो महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने हिस्सा लिया, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब नासा के द्वारा यह महिला स्पेस वॉक का आयोजन किया गया है, तो ये बात कर लेते हैं नासा के बारे में। सबसे पहले नासा की फुल नेम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है नासा का फुल नेम? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल नेम है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई, नासा की जो स्थापना है 29 जुलाई वर्ष 1958 को की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, नासा की जो स्थापना है 29 जुलाई वर्ष 1958 को की गई थी, तथा यह जो नासा है यह अमेरिका यानी यूएसए की एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, स्पेस एजेंसी जो नासा कहाँ की है, तो नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। इसके साथ इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, तो नासा का जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है पहले प्रश्न से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नई दिल्ली में 100 मोहल्ला क्लिनिक का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? तो प्रेजेंट टाइम में जो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्हीं के द्वारा 100 मोहल्ला क्लिनिक का हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। नई दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा प्रेजेंट टाइम में नई दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच IMNEX 2019 नामक जो अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यह जो अभ्यास है IMNEX 2019, इसका जो आयोजन है यह विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ये जो ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। भारत और म्यांमार के मध्य जो अभ्यास है IMNEX 2019, इसका जो आयोजन है यह विशाखापट्टनम में किया जा रहा है 19 से लेके 22 अक्टूबर के मध्य, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश में आपातकाल लगाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हाल ही में यह जो आपातकाल है हिंसक प्रदर्शनों के बाद लगाया गया है चिली की राजधानी सेंटियागो में। यानी जो ऑप्शन इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है, चिली की जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी है सेंटियागो, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चिली की जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी है सेंटियागो, यहीं पे आपातकाल लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? तो यहाँ पे कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे, इन्हीं हिंसक प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबेस्टियन पिनेरा के द्वारा, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्हीं के द्वारा इस आपातकाल की घोषणा की गई है चिली की राजधानी सेंटियागो में। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अब चिली में आपातकाल लगाया गया है, तो ये बात कर लेते हैं चिली देश के बारे में। तो मैप में आप देख रहे हैं, यह है मैप में चिली। सबसे पहले चिली किस महाद्वीप में पड़ता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह जो चिली है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। किसका? तो साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसका एक देश है चिली, जिसकी राजधानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चिली की प्रेजेंट टाइम में राजधानी है सेंटियागो, तो आप याद रखिएगा चिली की प्रेजेंट टाइम में जो राजधानी है सेंटियागो है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद चिली के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चिली के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई हाल ही में,
तो इनका क्या नाम है, तो सेबेस्टियन पिनेरा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, सेबेस्टियन पिनेरा, प्रेजेंट टाइम में चिली के राष्ट्रपति हैं, जिनके द्वारा हाल ही में चिली में आपातकाल की घोषणा की गई, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा चिली की प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी है वो है पेसो, क्या है, तो चिली में जो प्रेजेंट टाइम में करेंसी चलती है वो चलती है पेसो, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही भारत की तरफ से इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की थी, यानी जो ऑप्शन इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रमण के द्वारा वॉशिंगटन में आयोजित जो वार्षिक बैठक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की, इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया गया है, तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। तथा IMF के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो IMF के प्रेजेंट टाइम में चीफ हैं क्रिस्टिन लेगार्ड, कौन है, तो सॉरी IMF की चीफ प्रेजेंट टाइम में बदल गई हैं, तो अगर आपको IMF के नए चीफ का नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं कि IMF की जो नई चीफ हैं कौन बनाए गए हैं, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। उसके बाद IMF की जो स्थापना है वर्ष 1944 में की गई थी, जुलाई वर्ष 1944 में, तथा IMF का जो हेडक्वार्टर है Washington DC में है। वहीं अगर हम विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है यह की गई थी जुलाई वर्ष 1944 में, इसकी भी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना जो है जुलाई वर्ष 1944 में की गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसका जो हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है Washington DC में है, तथा इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट या कहें तो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं, कौन है, डेविड मालपास प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में सुल्तान जोहर हॉकी कप 2019 किसने जीता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हाल ही में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 है यह जीत लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, फाइनल में जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने हमारे प्यारे देश भारत को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, ग्रेट ब्रिटेन ने फाइनल में भारत को 2-1 से हराकर सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पशुधन की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है भारत में पशुधन से रिलेटेड, तो पूछा जा रहा है सिंपली प्रश्न में कि जो पशुधन से रिलेटेड हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पशुधन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका राइट आंसर हमारा है 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत के पशुधन में, यानी जो ऑप्शन इसका ए है बिल्कुल सही है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में बात भी हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे भारत की पशुधन आबादी 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर 535.78 मिलियन हो गए थे, इसे भी आप याद देखिएगा, 2012 की तुलना में 4.6% से बढ़कर जो पशुधन आबादी है भारत की 535.78 मिलियन हो गए थे, इसे भी आप याद देखिएगा। उसके बाद पशुपालन और डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के परिणाम जारी किए हैं, इसे भी आप याद देखिएगा, यह जो 20वीं पशुधन जनगणना 2019 है यह पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जारी की गई, इसे भी आप याद देखिएगा। तथा इन परिणामों के अनुसार भारत की जो पशुधन आबादी है 2012 में 512 मिलियन से 4.46% बढ़कर 2019 में 535.78 मिलियन हो गई है, तो इसे भी आप याद देखिएगा, ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के, डेटा आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम राज्यों की बात करें कि किन राज्यों में पशुधन की आबादी कितनी है, तो पशुधन के मामले में जो नंबर एक पे राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन जो है 67.8 मिलियन है। उसके बाद 2012 की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 2012 में जो पशुधन था वो था 68.7 मिलियन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान की 56.8 मिलियन पशुधन है, मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में है 40.6 मिलियन, उसके बाद पश्चिम बंगाल की पशुधन प्रेजेंट टाइम में है 37.4 मिलियन, तो डेटा भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको कहीं अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूरी फैक्ट्स जरूर पूछे जा सकते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट हमारा है,
हाल ही में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण की जो घोषणा है किसके द्वारा की गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले यह जो कार्यक्रम है गोल, इसकी फुल नेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गोल कार्यक्रम के फुल नेम जो है वो है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इस गोल कार्यक्रम का फुल नेम है, जिसकी दूसरे संस्करण की जो शुरुआत है प्रेजेंट टाइम में जो हमारे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। यानी जो ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा है, इन्हीं के द्वारा जनजाति महिलाओं हेतु गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है देश भर की जनजाति युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, जिसके दूसरे चरण के हाल ही में शुरुआत की है अर्जुन मुंडा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद गोल की फुल नेम जो मैंने आपको बताई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इस गोल कार्यक्रम का फुल नेम है, तो इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में एकुवेरिन 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है एकुवेरिन 2019, यह भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया गया। तो ऑप्शन जो आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, भारत और मालदीव के मध्य यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है एकुवेरिन 2019, इसका आयोजन किया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 7 से लेके 20 अक्टूबर के मध्य इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और मालदीव के मध्य। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस वर्ष यह जो एकुवेरिन 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इस वर्ष इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा इसका जो आयोजन है महाराष्ट्र के पुणे में, कहाँ? तो महाराष्ट्र के पुणे में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में डिजिटल नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एन चंद्रशेखर और एक है रूपा पुरुषोत्तम। यानी जो इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी हमारा दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी हमारा दोनों सही है। तो एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम इन दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम है डिजिटल नेशन। यह पुस्तक दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। तो ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों लोगों के द्वारा मिलकर डिजिटल नेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। अब हम बात करेंगे आज के सवाल की। तो आज सॉरी कल का सवाल जो हमारा आपके आपके लिए पहला था, किस राज्य में सिरुई लीली उत्सव मनाया जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यह जो सिरुई लीली उत्सव है यह मनाया जा रहा है मणिपुर राज्य में। यानी जो ऑप्शन बी था हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही था। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए था कल का, हाल ही में सुर्खियों में रही चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जो चेनानी नासरी सुरंग है यह सुर्खियों में सबसे पहले किस लिए बनी है? तो इस सुरंग का जो नाम है बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है, तो इसी कारण से यह जो सुरंग है यह चर्चा में है। तथा यह जो सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही था। अब हम बात करेंगे आज के सवाल की, जो आपके आपके लिए आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में कवि फकीर ललोन शाह की 129वीं मृत्यु वर्षगांठ को मनाया गया है, पहला प्रश्न आपके लिए है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में 91वीं इंटरपोल जनरल असेंबली का जो आयोजन है कब करेगा भारत, तो आपको बताना है। तो ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।